अच्छा यहाँ पर आए हैं चूंकि 15 शाबान भी आने वाला है, इमाम ज़माना जल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के दिन भी आने वाले हैं, तो अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए भी आपने दुआ की? दुआ की है, हर वक्त दुआ करते हैं, घर में ही करते हैं, जहाँ भी होते हैं वो इमाम ज़माना ही हमें शफा देगा, वही इंशाअल्लाह ताला फरमाएगा। काफले के साथ आए हैं और कितने लोग? हमारे काफले में 45 लोग हैं। माशाल्लाह। अच्छा 15 शाबान का दिन भी जो है वो आ रहा है और हम अपने इमाम के मुंतजर है, तो हमारा कैसा किरदार होना चाहिए? हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए, माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर जो है करबला में आपको कैसे लग रहा है? पहली दफ़ा आ रहे हैं? मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, अच्छा माहौल है। इस वक्त कैसे आपको महसूस हो रहा है करबला मौला में? इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। मैं तो इनका शुरू से ही नौकर हूँ और बस जो कि मेरी नस्लें भी आगे इनकी गुलाम रहीं। मेरा नाम गुलशन है, मैं तहसील सकरन और ज़िले नवाब शाह सिंध से आया हूँ। और ज़माना इमाम ज़माना के बारे में क्या कहूँ, हमारे वो तो भाई उसके इंतज़ार में है। हमारा किरदार ऐसे होना चाहिए को वो ऐसी जगह हो कि हम उसको बिठाने के लायक हो जाएं। ऐसी जगह नहीं है, हम तो गुनाहगार हैं, ऐसी जगह नहीं है, ढूंढ रहे हैं, आपकी दुआ से इसकी तवसल से मिल जाए तो बेहतर है। करबला में इस वक्त आपको कैसा लग रहा है बैनुल हरम? अच्छा लग रहा है, हम पहली फेरी आए। हाँ मैं गए से ही पहले इतने पहली फेरी आए। आप इंडोनेशिया में हैं, वहाँ पर शिया होते हैं? नहीं जी, इंडोनेशिया में बहुत कम, अभी जो जैसे बहुत इंडोनेशियन शिया ने तकिया किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जगार्ता में इस्लामिक सेंटर बन गया ना, तो इंशाल्लाह हमारे मौला इंशाल्लाह सब खैर फरमाएंगे। इंशाल्लाह एक न एक दिन मौला का परचम इंशाल्लाह पूरी दुनिया में लहराएगा इंशाल्लाह। कितनी दफ़ा सैयद साहब आप तशरीफ़ लाए हैं यहाँ? ये मालिक मौला की करम दादी से अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरी मरतबा आया हूँ, पिछले साल आया था और इन्हीं दिनों में आया था अल्हम्दुलिल्लाह शबान के, और इसी वजह से मालिक मौला के करम से और पाकों के अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अता से मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हाजिरी का मुझे मालिक मौला ने शर्फ बख्शा है। रहने वाला हूँ, पहली दफ़ा मैं आया हूँ ज़ियारत के लिए, बहुत अच्छा लगा है, जो सुना था उससे भी बेहतर है, और बड़ा खुश हूँ मैं इधर देखकर, और अंदर इमाम की ज़ियारत की है, मौला की ज़ियारत की है, मौला अब्बास की भी ज़ियारत की है, बड़ी खुशी हुई है। और इमाम ज़माना उनको हर वक्त मकसद हर नमाज के बाद दुआ करते हैं और इमाम ज़माना के, और हमारी ये भी ख्वाहिश है हमारी ज़िंदगी में उनका ज़ोर हो ताकि हम उनको देख सकें, उनकी जो है तालीमात के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको जो है चलाएँ, जिस तरह भी उनकी तालीम है उनकी ज़िंदगी हम चलाएँ, उनका अपनी ज़िंदगी डाल लें उसको। एक सवाल जो है, मैं ख़ुद चूंकि 15 शाबान का दिन जो है वो नज़दीक है, तो ज़ाहिर है हम लोग शिया है और हमारा अकीदा है इस उनवान से, तो क्यों आप चाहते हैं और शिया चाहते हैं कि ज़हूर इमाम हो जाए? ज़हूर इमाम का एक तो पहला मकसद मेरे ये था कि मैं इमाम हुसैन की जो शहादत हुई उसका वो एक रिवेंज होगा वो लेंगे।